कल इतनी हम कल है जय लास्ट मैन को निकलना हैं कि यहाँ हम कुछ फ्लैग ऑफ कर रहे हैं इक्विपमेंट्स जो हमने अलग अलग हमारे सेंटर्स हैं, हमारे स्टेडियम्स हैं, इंडोर स्टेडियम्स हैं, हमारे फील्ड्स हैं बोथ इन नॉर्थ कश्मीर एंड इन साउथ कश्मीर। आज उन दोनों एरियाज़ में हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है जहाँ जहाँ जिस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कमी थी उस कमी को पूरा करने के लिए आज हम यहाँ से ये इक्विपमेंट्स फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, जिसमें हमारे फुटबॉल पोस्ट हैं, हमारे बास्केटबॉल पोस्ट हैं, कई ऐसे हमारे मैट्स हैं जिसपे खेला जाता है जिसकी बहुत डिमांड रही है। जगह जगह जहाँ आप जाएँ, गाँव गाँव में जाएँ, आपने देखा कि एलजी साहब के डायरेक्शंस के अंडर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बड़ा है पिछले 3 साल में, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि कोई ऐसी जगह नहीं है कंट्री में जहाँ पर इतनी तेज़ी से स्पोर्ट्स ने जो है तरक्की की है और इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे मिला है। इस साल हमारी कोशिश है कि जो हमारी जो नई फैसिलिटीज़ हैं वो तो बनेगी ही, लेकिन उसके साथ जो हमारी पुरानी और बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हम कंसोलिडेट करेंगे। एलजी साहब के डायरेक्शंस रही हैं कि हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो हैं जहाँ जहाँ उसकी कमी है, क्योंकि हम जहाँ जाएँ गाँव गाँव जाएँ तो बच्चों की हमेशा डिमांड रहती है, कहीं पर बास्केटबॉल जो है पोल्स की ज़रूरत है, नेट की ज़रूरत है, कहीं पर फुटबॉल पोस्ट की ज़रूरत है, कहीं पर मैट्स की ज़रूरत है। सिमिलरली काफ़ी बॉक्सिंग रिंग्स जो हैं, जो हमारे खेलो इंडिया सेंटर्स हैं वहाँ के लिए जो बॉक्सिंग रिंग्स, उसकी भी बहुत डिमांड थी। और भी कई ऐसी इक्विपमेंट है जो बोथ एरियाज़ नॉर्थ कश्मीर साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ जा रही है, जो हमारे बच्चों और स्पोर्ट्स पर्सन की डिमांड है। इसके अलावा अभी सेकेंड फेज़ में, अभी इसके बाद जम्मू डिवीज़न में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की थ्रू आउट जम्मू डिवीज़न, जो हमारे वहाँ पर रीजन्स हैं वहाँ पर भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जगह जगह जो है हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और भेज रहे हैं, ताकि हम अपने सेंटर्स को स्ट्रेंथन करें और एक प्लेटफॉर्म दें अपने यूथ को टू एक्सेल इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए, जो ड्रग है ये एक बहुत बड़ी वबा है और हमारी कोशिश है कि स्पोर्ट्स के थ्रू हम अपने यूथ को जितने ईवल्स हैं सोसाइटी के, जिसमें ड्रग अब्यूज़ भी है। आप सही कह रहे हैं कि कई ऐसी रिसेंटली इन्फॉर्मेशन आई कि हमारे यहाँ यूटी में भी ड्रग अब्यूज़ जो है उससे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारी कोशिश है दैट थ्रू स्पोर्ट्स हम लोगों को ये जो ईवल इन्फ्लुएंसेस हैं सोसाइटी में उससे दूर रखें। हमारे जहाँ पर भी इवेंट्स होते हैं, हमारे जो कोचेज हैं, हमारे यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी हमने डायरेक्शन दी है एट द स्कूल लेवल कि हम कोशिश करें, हम बच्चों को काउंसिल करें और जो भी ऐसी बुराई है खासकर ड्रग्स, उससे हम बच्चों को दूर रखें। आई थिंक जो हमारी इतनी यूथ एंगेजमेंट हो रही है, जिसमें पिछले साल मोर देन 60 लाख यूथ वर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और इस साल हमारा टारगेट 70 लाख बच्चों का है। आई एम श्योर ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो प्लेटफॉर्म हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस विल हेल्प ट्रिमेंडसली इन कीपिंग अवे आर यूथ फ्रॉम ड्रग्स एंड अदर सोशल ईवल्स। आज यहाँ पर जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से वादी के 10 ज़िलों के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ रवाना की गई है। हमारे जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं सरमद हफीज साहब, उन्होंने अभी यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजरत गुल साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये जो सीज़न है, इस सीज़न में अभी काफ़ी टूर्नामेंट होते हैं और ख़ासकर इन्होंने जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो इंतखाब किया वो बड़ा अच्छा है, जिसमें मैट्स हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन की डिमांड्स हैं, जिससे हमारी पिच भी स्ट्रेंथन हो, इक्विपमेंट भी हो और हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमारे वादी कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों में इस वक्त स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहे हैं और जो यूथ हैं उनका टैलेंट सामने निकल के आ रहा है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये पहल की गई है ये काफ़ी सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट और इसकी जो डिमांड है वो स्पोर्ट्स पर्सन की दरीना डिमांड को आज फुलफ़िल किया गया है।